हेलो पशुपालक भाइयों नमस्कार। आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लखनऊ पशु बाज़ार। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से आए हुए हैं यादव डेयरी फार्म गोसाईगंज। यहाँ से आपको एक स्पेशल वीडियो दिखाएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बुजवान भाई नमस्कार। नमस्कार भैया। और भाई साहब क्या हाल चाल? बढ़िया भैया। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से अपने समस्त गौ सेवक गौपालकों को किसान भाइयों को हमारा जो है सादर प्रणाम नमस्कार जी। थैंक यू। आपको भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे फार्म पे आप आए जी जी। और आज लोगों के बीच में कुछ जानकारियाँ शेयर करने के लिए आज अपना कीमती समय निकाल कर हमारे फार्म पे आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में कुछ समस्या आ गई थी चैनल पर, इसलिए वीडियो नहीं आ पाया जी। अब लगातार वीडियो मिलेगा आपके डेयरी फार्म। हाँ, कुछ समस्याएं यूट्यूब की रही, उसकी वजह से एक सप्ताह जो है आप चैनल पे हमारे फार्म की जो है डिटेल नहीं रही जी। लेकिन हमारे किसान भाइयों का पशुपालक भाइयों का बराबर जो है प्यार और स्नेह मिलता रहा जी। और जिसमें हमारे कुछ काफ़ी यूट्यूब के साथियों का भी जो है सहयोग बराबर निरंतर मिलता रहता है। तो बहुत लोग चैनल को देखने वाले, बहुत लोग अभी जितने चैनल डाउन रहा बहुत ही लोगों ने फोन किया हमारे पास लगातार, और कुछ भैया जल्दी देर की वजह से जो है दिक्कतें रही। ठीक है, तो ब्रजवान भाई आज कौन सा तारीख है और कौन सा दिन का वीडियो? आज 16 तारीख है और मंगलवार है। मंगलवार का दिन है तो आज आपके फार्म पर भाई साहब कितनी गाय बंधी हुई? हमारे पास आज लगभग जो है 20+ गाय थी। 20+ फार्म पे, क्योंकि कल मुसलमान भाइयों का जो है त्यौहार है और उस वजह से अधिकतर हमारा स्टाफ जो है आज लगभग सभी छुट्टी पे चले गए हैं। दो तीन लड़के हैं आज जी, अभी वो भी चले जाएंगे, इसी वजह से हम थोड़ा गाय कम लाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में हम लोग तो गायों को नहीं कर सकते हैं जी। लोगों को भी समय देना रहता है, लिमिटेड गायों को अपने हाथ हम कर सकते हैं। ठीक है रिजवान भाई, तो रिजवान भाई आज ये दो गाय अभी बेचे हो? हाँ, दो गाय आज हमारी ये सेल हुई हैं, जो कि वो कौन सी नस्ल में हुई? अंकल जी है वो लिए है। अच्छा, और यही हमारे पड़ोस में मोहलालगंज जो 15-16 किलोमीटर। गाय कहाँ जा रही है? दोनों 15-16 किलोमीटर मोहलालगंज है। मोहलालगंज जो कि हमारा लोकसभा क्षेत्र भी है और विधानसभा क्षेत्र भी है, वही जा रहे हैं दोनों जी। तहसील तो भैया जो है पुराने आपके? हाँ, लगभग पहली बार आए हैं? नहीं, 3-4 गाय जा चुकी है आपके चैनल के माध्यम से, एक वीडियो है भी। और अच्छा, भैया का पहले एक वीडियो पड़ा, सारे पशुपालक भाई जो है देखे भी होंगे वीडियो, और शायद आज वो देखेंगे, नहीं देखे होंगे, अगर वो देखेंगे तो जरूर वो देखने की कोशिश करेंगे पुराने वीडियो को, और उनकी याद ताज़ा हो जाएगी। ठीक है, आपने सही जानकारी दी। अब हम थोड़ा भैया से जानकारी ले लीजिए। बिल्कुल भैया जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। और भैया साहब का हाल चाल? सब बढ़िया है, अच्छा है। और जब ऐसी जगहों पे आ जाओ तो अगर अच्छा भी नहीं होता है तो वास्तविकता में हम लोग अच्छा महसूस करते हैं। तो आज यादव डेयरी फार्म पर आए हैं, तो कितनी गाय लिए हैं? यादव डेयरी फार्म पे आज दो ले जा रहे हैं, पहले हम 4 गाय इनके पास से ले जा चुके हैं। 4 गाय पहले ले जा चुके हैं, आज दो गाय खरीदा है, जो दो गाय बंधी हुई? हाँ, एक गिरी गाय लिया है और एक हमारी ये साहीवाल और क्रॉस ब्रीड में है जी। एक साहीवाल क्रॉस में और गिर की गाय, दो गाय खरीदे आज जी जी। अच्छा भैया, लोग सब आपके साथ हैं? हाँ, सब हमारे पारिवारिक हैं और हमारे चाचा जी हैं, हमारे भाई साहब अभिचल शुक्ला जी आदरणीय हैं, भैया जी, भैया मनीष भैया जी हैं हमारे, चंदन भट्ट जी हैं, आलोक भैया जी हैं। और कहा गया है कि जो वास्तविकता होती है वो सदैव निराशा को जन्म देती है जी जी। ये सिर्फ हमने सूक्तियों में पढ़ा है, लेकिन जब हम ऐसी जगहों पर आते हैं ब्रजभान भाई के यहाँ और यादव डेयरी फार्म की अगर हम बात करें तो वास्तविकता में जो सत्यता प्रमाणित होती है उसका एहसास यहाँ पर आकर हमें महसूस होता है। क्योंकि एक वाक्य है, कहा गया है जी कि सुबह से सूरज चांद शाम से जाना जाए जी जी, सुबह से सूरज चांद शाम से जाना जाए, मुझको दुनिया में मेरे काम से जाना जाए, मुझको दुनिया में मेरे काम से जाना जाए। तो अगर हम ब्रजभान भाई की बात करते हैं तो इनके द्वारा जो भी बातें हमें बताई जाती हैं, देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है, एक हम पशु का व्यापार करें और एक पशु सेवा में पशुधन को, गौ धन को हम किस तरीके से संवर्धित कर सकें उस पे कार्य किया जाए। तो ब्रजभान भाई के द्वारा व्यापार तो एक कहा गया है, लेकिन व्यापार के माध्यम से आप एक गोधन गो सेवा करने का काम कर रहे हैं। यानी आप कहना चाहते हैं कि जो ब्रजभान भाई जो चीज़ बताते हैं वही चीज़ वास्तविकता बताते क्या? हमने तो जब भी किसी से भी बात की या कहीं भी बात की है तो वो अभी जैसे पहली लाइन हमने कहा था कि वास्तविकता निराशा को जन्म देती, लेकिन ब्रजभान भाई के पास आने के बाद सत्यता प्रमाणित होती है। आपके द्वारा जब मैं गाय लेके गया तो आपने कहा ये गाय 13 लीटर दूध देगी, और मैं सत्यता के साथ कह रहा हूँ कि उस गाय ने 2 लीटर बढ़ा के दिया। जितनी भी गायों में हमने बात की है उस पर जितना उन्होंने बताया उससे लीटर दो लीटर बढ़ा के ही दूध देती हैं, और दूध में भी ऐसी हैं कि जैसा वो बताते हैं, और आप यकीन नहीं मानेंगे, एक हमारी गाय थी
उस गाय ने जिस तरीके से हम सबको मतलब बताए थे 12-13 लीटर और वो लगभग 18-19 लीटर दूध दी है, तो ब्रजभान भाई की इसी बात को लेके पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन भारत में जिस तरीके से आपने पहचान बनाई है कि अन्य प्रदेशों में हम सब जाते हैं एक उम्मीद के साथ जाते हैं, एक कि हम वहाँ से गौधन लेके आएंगे, लेकिन हम उस चीज़ को एनालाइज ही नहीं कर पाते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे घर में हमारे नज़दीक नज़दीक और एक सत्यता के साथ जो गोधन हमको मिल रहा है हम बाहर जाके उस चीज को कई दिनों तक तलाश के भी उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोग शुक्रिया अदा करना चाहेंगे ब्रजभान भाई जी को कि उत्तर प्रदेश में ऐसे गौपालक लोग हैं कि जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, गो सेवा का एक मौका दे रहे हैं, हमारी भारतीय नस्लों को संवर्धित करने का काम कर रहे हैं। तो ये हम लोगों का एक वरदान है कि ऐसे लोग इस जगह पर, ऐसे ब्रजभान भाई जैसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं संवर्धित करने का काम कर रहे हैं व्यापार के साथ। सही कहा आपने, आपने बहुत सही बात की। यानी आप कहना चाहते हैं कि जो भी पशुपालक भाई हैं उत्तर प्रदेश के या भारत के कहीं से भी गाय खरीदना चाहते हैं, अभी मैं बैठा था, मैंने ब्रजभान भाई के यहाँ जरूर, अभी मैं बैठा था भाई साहब, बीच में इंटरप्ट करेंगे तो, मैं लोगों से बात कर रहा था तो अभी बात हुई दमोह से, तो कुछ लोग दमोह से बैठे हूँ, कुछ लोग बिहार से बैठे हुए हैं। तो ये सिर्फ अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में एक ख्याति प्राप्त गोपालक हैं, ये पूरे अगर भारत की एक बात करें तो जिस तरीके से ब्रजभान भाई ने अपनी सत्यता के साथ पहचान बनाई है, मैं शुक्रिया करता हूं कि हमारे प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं भारत में, और कहीं ना कहीं आपके द्वारा जो भी गोधन हम लोगों को दिया जाता है वो हमारी ही बात नहीं, हमारे जितने भी मित्र परिचित लोग यहाँ से गाय लेके जाते हैं तो अगर उनसे बात किया जाए तो सभी सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ ब्रजभान भाई के लिए जो उनके विचार होते हैं वो हमको आह्लादित करने का काम करते हैं कि हम ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है भैया जी, भैया जी आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं मोहनलालगंज से। मोहनलालगंज से आए, तो आज की दो गाय खरीदे हैं? जी दो गाय। तो आपके घर पर जो है डेयरी चला रहे हैं या केवल दूध के लिए? देखिए डेयरी शब्द कहना एक तरीके से ये नकारात्मक दृष्टिकोण को उत्पन्न करता है। हम लोग गौ रस को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं जो बचता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उस दूध का कैसे हम लोगों की रीज तक करें, लोगों को अच्छा दूध प्राप्त हो, लोग डेयरी प्रोडक्ट कह के उस नाम को बदनाम करने की बात करते हैं। हम गौ रस को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जब भी बाहर के दूध को हम लोग पीते हैं और इस दूध से तुलना की जाती है, अभी ब्रजभान भाई ने भी कांकरेज गाय का दूध हम लोगों को पिलाया और उसकी चाय जब हम लोगों ने पी तो हम लोगों ने बात की आखिर ये किस गाय का दूध है, तो उन्होंने कहा भाई ये कांकरेज का है। तो अभी सभी गायों में उन्होंने देसी नस्लों में जिस तरीके से काम किया है, ब्रजभान भाई के यहाँ जब भी आप फार्म हाउस में आएंगे इनके, तो आपको जो भी गाय बंधी मिलेंगी उसमें से 80-90% जो होती हैं गाय वो होम परपज के लिए होती हैं। उनका उद्देश्य क्या होता है कि सही मायनों में उच्चतम दृष्टिकोण के साथ, उच्चतम मापदंडों के साथ हम सही तरीके से काम कर सकें। तो डेयरी कहना नहीं कह सकते हैं, यहाँ जो दूध हमारे पास बच जाता है वो हम अपनों तक उस चीज को पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें उनके स्वास्थ्य के नजरिए से कि उनको भी उत्तम दुग्ध हम प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, या आप कहना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति हैं दूध खा रहे हैं तो पैकेट वाला दूध ना खा करके कोशिश करें कि अपने घर पर गाय पालें। हाँ, गाय पालें और दूध जब खरीदें तो किसी गौपालक से ही दूध खरीदें, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? कहना भी चाह रहे हैं। देखो दृष्टिकोण क्या होता है, किसी भी चीज की जो शुद्धता होती है, स्वास्थ्य होता है, कहा भी गया है कि जीवन का जो सबसे बड़ा उपहार है वो हमारा स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो जीवन का हमारे कोई मायने नहीं है। आपका यही कहना है कि पैकेट वाले दूध को छोड़कर जो सीधे गाय का दूध अगर मिलता है, गाय का दूध जो है वो सभी के स्वास्थ्य के लिए सुपाच्य है। और देसी गायों का ही, देसी गायों की अगर बात करें और ब्रजभान भाई के पास जो भी गायें आती हैं वो निश्चित तौर पर उच्चतम जो एक दृष्टिकोण है उसके साथ हम लोग इस चीज को देखते हैं कि ब्रजभान भाई की गायें शुद्धता की गारंटी के साथ 100% शुद्धता के साथ प्रोवाइड कराई जाती है। 100% है। आप गिरी को देख लीजिए हमारी, वो 100% में कहीं भी आपको, जिसके आप कान देखिए, इसका गलकंबल देखिए, इसका हंप देखिए, गाय की शुद्धता देखिए और गाय जिस तरीके से अपनी खूबसूरती को समेटे हुए। गाय खरीदा भैया ने आपने? आज ये गाय हमने जी, ये वाली गाय का प्राइस पूछ रहे हैं आप जी? हाँ, इसको हमने 92,000 रुपए में लिया है। 92,000 जी। तो कौन से बात में बच्चा देगी? ये दूसरी बार बच्चा देगी। दूसरी बार? हाँ। तो क्या उम्मीद करके लिए, कितना दूध कर देगी? देखो दूध की उम्मीद तो ब्रजभान भाई जो बताते हैं उम्मीद बंध ही जाती है, क्योंकि ब्रजभान भाई की बात ही हम लोगों के लिए गारंटी हो जाती है। पहली बार नहीं, कई बार इस चीज को कितना बताएं? ब्रजभान भाई ने इसमें बताया है कि 12-13 लीटर दूध ये गाय आपको देगी। तो आपने कुछ नहीं,
अब इब्बट का प्रश्न ही नहीं उठता, पहली बार थोड़े यहाँ विश्वास 100% आप देखिए 3 से 4 बार अभी पहले भी जब बात हुई तो हमने कहा लीटर 2 लीटर वो बढ़ा के ही देते हैं। तो पशुपालक भाई देखो यहाँ पर जो भी पशुपालक भाई आते हैं, गोपालक भाई आते हैं, ब्रजभान भाई की बात पर टोटल विश्वास कर लेते हैं, ठीक है, और गाय को परचेज कर लेते हैं। तो पशुपालक भाइयों यहाँ पर विश्वास 100% लोगों को होता है। तो ये गाय भैया ने खरीदा 92,000 में, गिर नस्ल की गाय है, ठीक है, ये देख लीजिए। और ये दूसरी गाय भैया ने खरीदा है तो ये साहिवाल है, क्रॉस में है थोड़ा। हाँ, तो ये कौन सी बात में बच्चा देगी कि दे चुकी बच्चा? ये भी दूसरी बार बच्चा देगी, दूसरी बार बच्चा जी जी जी। कितना समय ले लेगी ये? ले लेगी लगभग 10 से 12 दिन जो ब्रजभान भाई ने उम्मीद कर रहे हैं। दूध की क्या बताया गया इसके नीचे? इसके नीचे 14 लीटर दूध बचा है, लेकिन हमारे अनुमान से 15-16 लीटर के ऊपर ही 14 लीटर बताया है। तो लोगों को यहाँ पर विश्वास है कि ब्रजभान भाई जो दूध बता देते हैं उससे 1-2 लीटर बढ़ा के देते हैं। पूरी जो है यूपी में और यूपी के बाहर भी लोगों को ये विश्वास बन चुका है कि ब्रजभान भाई जो भी बताते हैं दूध उससे दूध बढ़ के देता है, किसी की भी गाय दूध कम नहीं देती है, यही कहना चाहते हैं ना? नहीं, हमने तो जहां तक कई पशुपालक भाई में मिले वो सब यही बताते हैं कि जो दूध ब्रजभान भाई बता देते हैं उससे 1-2 लीटर बढ़ा के देते हैं। हाँ। है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सत्यता बात बताया ना। ये इस गाय की कीमत क्या बताए थे आप? इसकी 52,000 रुपए पड़ी है, उसकी 92,000। 52,000 रुपए ये जो गाय है 52,000 रुपए की खरीदी गई है यादव डेयरी फार्म जो गोसाईगंज लखनऊ में है, ठीक है। तो आपके घर पर इस समय कितनी गाय है भैया जी? इस समय 14 से 15 गाय हैं। 14 से 15 गाय हैं और सभी लगभग ब्रजभान भाई के ही द्वारा जो हमें दिलाई गई हैं। जी, जी। वो जिस तरीके से दूध हम लोगों को उपलब्ध करा रही हैं, वो ये कहा जा सकता है कि इनकी बात की गारंटी को हमें वो प्रदर्शित करने का काम कर रही हैं। जैसा ब्रजभान भाई ने बताया वैसा वो गाय दूध दे रही है। हम आपकी बात समझ रहे हैं, कहना आप ये चाहते हैं कि कोई भी पशुपालक भाई है जो यहाँ पर गाय लेने के लिए आना चाहता है तो ब्रजभान भाई की बात बंद करके विश्वास कर सकता है। अच्छा भैया, और ब्रजभान भाई की एक खासियत और भी है, वो ऑनलाइन में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। जी जी। वो ये भी कहते हैं ऑनलाइन वीडियो तो भेज देते हैं, लेकिन वो एक बार लोगों से ये जरूर अपील करते हैं कि वो प्रत्यक्ष रूप में आकर यहाँ पर इस चीज को देखें कि गायें जो उनको दिखाई गई हैं उसी तरीके से वो गाय नजर आ रही हैं, उसी दूध क्षमता के साथ वो गाय जो गाय इनके बच्चे दे देती हैं उनको ये भी चेक भी कराते हैं 2-3 बार जितने भी बार आप दूध के उन गायों को देख सकते हैं उतनी दुग्ध क्षमता की गायें हैं कि नहीं है। तो ये सबसे बड़ी चीज है, नहीं तो लोग ऑनलाइन में विश्वास दिलाते हैं जो दिखाते हैं, कहते हैं ना जो जैसा दिखता है वैसा बिकता है। तो अगर हम अपनी आंखों के सामने से उस चीज को महसूस करके प्रत्यक्ष उस चीज को देखें और उसको परख के जब उस चीज को लेते हैं तो ऑब्वियस है कि वो बहुत अच्छा हमें उपलब्ध कराने का काम करते हैं। पशुपालक भाइयों अगर आप लोग भी गाय खरीदना चाहते हैं तो यादव डेयरी फार्म जो गोसाईगंज में है वीडियो देखिए, लेकिन यहाँ पर आ करके गाय खरीदिए, अब देख करके अपने मन से पसंद करके ले जाइए, ठीक है, पूरी ठाट बाट देख करके गाय की खरीद ले बिल्कुल। वो तो हमारा तो यही मानना और ब्रजभान भाई के भाई यही संदेश रहता लोगों के। अच्छा भाई, आपसे ये जानना चाहते हैं आपके घर पर 15 गाय लगभग हैं जी, आप घर के लिए दूध भी यूज करते हैं लोगों को देते भी हैं जी जी, ठीक है जी। तो आपका प्रधान कार्य क्या हो, मेन कार्य क्या है? कि यही काम है मेन काम की कोई दूसरा काम के साथ ये काम कर रहे हैं? कई सारे काम हैं, अब काम कहाँ तक उस चीज को हम गिना नहीं, सकते हम जानना हैं। चाहते हैं कि कुछ लोग हम अध्यापन कार्य है हमारे पास, हमारे भाई साहब इस समाज सेवी के साथ इस क्षेत्र में ही नहीं वरन पूरे लखनऊ में जो अविचल शुक्ला जी ने जिस तरीके से एक छवि बनाई है एक मार्गदर्शक के रूप में, और सबसे बड़ी चीज भाई साहब कि हमारे भाई साहब बहुत बड़े एक नाम में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से उनके कार्य हैं उन कार्यों से उन्होंने पहचान बनाई है। अब यहाँ व्यवसाय हम क्या आपको गिनाएं? ये व्यवसाय नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि जो हम भाई लोग होते हैं दूसरे काम में जैसे लगे हैं तो गाय कैसे एडजस्ट करें, दूसरे काम को करते करते साथ में गाय कैसे रख सकें, इसके लिए पूछ रहे हैं। कैसे आप गायों को दूसरा काम कर, हाँ, गायों को रखना, देखिए किसी भी गोधन की अगर हम बात करें तो अगर हम सेवा और समर्पण के साथ जी उस चीज को निभाने की शिद्दत रखते हैं तो किसी भी कार्य को हम पूरे मनोयोग से संपादित कर सकते हैं। अगर भैया के यहाँ देखा जाए तो जिन तरीके से गायों को वो कराया गया, करीब 4 से 5 लोग उन गायों की व्यवस्था में लगे हुए हैं, कई सारे उनकी उनके उनकी गर्मी से निजात दिलाने के लिए विभिन्न प्रकार के कूलर्स और फैन सब इनकी व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से इन गायों के लिए की गई है। मेरी सेवा बहुत अच्छी होती है, सेवा वही तो कहा, सेवा और समर्पण। अगर हम गौ हमारी जो भारतीय परंपरा है यहाँ पर हमने इनको पशुओं का दर्जा न देके गाय को, भारत एक ऐसा इकलौता देश है जहाँ पर हम गाय की पूजा करते हैं, जहाँ पर हम बट वृक्ष की पूजा करते हैं, जहाँ पर हम धरती को माँ मानते हैं, हमारा ही देश है, उन संस्कारों पर चलता है। तो कहीं ना कहीं हमारी भी एक अपील है लोगों से कि हम इनको गाय या पशु के रूप में व्यापार के रूप में नहीं बल्कि हम माँ के रूप में गाय को सदैव हमने माँ का दर्जा दिया और उसको हम लोग निभाने का भी कार्य करते हैं। भैया आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे वीडियो में, आपका बहुत बहुत
धन्यवाद। ठीक है, पशुपालक भाइयों, आपको इस वीडियो में हमने जानकारी दी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और लगातार वीडियो चैनल पर आते रहेंगे। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, लगातार वीडियो आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।